Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the fine grain soil classification and finest modulus. This is lecture 2, part 2b. So, before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the cooperative exam. और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लो यार लाइक कर दिया करो वीडियो को आपको भले से पता हो ना पता हो अगर लाइक करने से किसी नीडी स्टूडेंट के लिए सर्च में ऊपर सरफेस आउट होके वीडियो आता है तो विदाउट एनी डिले लेट्स पेगिन गेन आर फाइन ग्रेन सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल की जब भी बात होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा भाई ये फाइन ग्रेन सॉइल क्या है फाइन ग्रेन सॉइल वो है जो 75 माइक्रोमीटर से पास हो जाती है यानी कि 75 माइक्रोमीटर सीव जो थी यानी कि इस पर्टिकुलर साइज से छोटे जितने भी पार्टिकल होंगे सॉइल के वो सारे फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएंगे और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है प्लास्टिसिटी के बेसिस पे और कोर्स ग्रेन का किस बेसिस पे होता है पार्टिकल साइज पे ओके okay, और पार्टिकल साइज किससे निकलती है सीव से वॉट इट सो कंफ्यूज मत करना वहाँ आस पास के ऑप्शन दे दे सीव दे दें ऐसे दे दे सीव एनालिसिस वगैरह तो आप टिक कर सकते हो तो चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए जो सिम्बल्स हमें पहले पता होने चाहिए फॉर फाइन ग्रेन ऑयल वो देखते हैं सबसे पहला है लो प्लास्टिसिटी दूसरा इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी और एक हाई प्लास्टिसिटी इसका बेसिस क्या है इसका बेसिस है लिक्विड लिमिट अगर लिक्विड लिमिट 35% परसेंट से कम है तो क्या कहलाएगा वो लो प्लास्टिक सॉइल यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई लो प्लास्टिसिटी हुई उस सॉइल की उसको डिनोट कैसे करना है? जो एल है ना इनिशियल इसको उठा के यहाँ बना दिया तो इसका सिंबल हो गया है एल उसी तरीके से लिक्विड लिमिट अगर 35 से 50 परसेंट है तो उसे कह रहे हैं इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से और इसका एक एग्जाम्पल भी देखो जैसे एल वाले का है तो किसके साथ लगा देना फाइन सॉइल कौन कौन सी है एक क्ले है और एक सिल्ट है सिल्ट और क्ले का मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर सी और एम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सी एल हो गया तो कैसा है क्ले विद लो प्लास्टिसिटी एम एल मतलब सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी और ओ एल मतलब ऑर्गेनिक सॉइल विद लो प्लास्टिसिटी ओके नाउ लेट्स सी द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में भी सेम है सी आई एम आई ओ आई तो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है अगर अब 50 परसेंट से ज्यादा हो जाता है लिक्विड लिमिट तो उसे क्या कहते हैं हाईली प्लास्टिक फाइन सॉइल के और इसका एग्जाम्पल भी सेम है क्ले सिल्ट के साथ या ऑर्गेनिक सॉइल के साथ लगाना है एच तो ये हो गया क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी ऑर्गेनिक सॉइल विद हाई प्लास्टिसिटी ये भी समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों को अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब उस किसी सॉइल को क्ले कहूँ विद जो भी उसकी प्रॉपर्टी हाई है, हाँ, है लो है क्या है तो इसके लिए जो मैंने आपको कोड के बारे में बताया था आई एस फोर्टीन नाइनटी एट नाइनटीन सेवेंटी उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है फिगर वन में ठीक है इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट इसके बेसिस पे सब कुछ डिफाइन किया जाता है फाइन सॉइल के ने. और इसके अंदर आप देखो तो एक साइड बना हुआ है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है आईपी और एक साइड है लिक्विडिटी सॉरी लिक्विड लिमिट नॉट लिक्विडिटी लिक्विड लिमिट दैट इज डब्ल्यू एल इस तरफ डब्ल्यू एल है इंडेक्स है आप लोगों को इजीली सब कुछ समझ में आ जाए मैंने कर्व के अंदर रेड से मार्क कर दिया है ये देखो 50 परसेंट वाले लिक्विड लिमिट को 5% परसेंट वाली लिक्विड लिमिट को और ऑब्वियसली जहाँ पे ये एक लाइन जाके 20 में मीट कर रही है वहाँ पे भी मैंने पॉइंट लगा दिया तो इसके ऊपर कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक सी है सी है सी है पर यह एम नहीं है सी होगा सी है और इस तरीके से ये एम एच ओ एच बीच वाला एम आई ओ आई और ये वाला एम एल ओ एल और ये वाला पूरा सी एल एम एल सेक्टर हो गया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये लाइन क्या है ये लाइन समझाओ क्या है इस लाइन को दिया गया है नाम ए लाइन अब इसकी एक इक्वेशन भी है बाकायदा अब आपको जैसे यहाँ दिख रही है ढंग से ना दिखे तो मैंने कोशिश की है कि मैं खुद ही लिख देता हूँ अच्छे से ताकि याद हो जाए तो आई यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सेवन थ्री डब्ल्यू एल माइनस ट्वेंटी परसेंट अगर कोई भी वैल्यू इस लाइन के ऊपर होगी ना तो वो क्या कहलाएगी क्ले और कोई भी वैल्यू लिक्विड लिमिट की और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की किसी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे आ गई तो वो क्या कहलाएगी सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल मैं जानता हूँ यार ऐसे ये थियोरिटिकल बातें बोलने से बच्चों को समझ नहीं आता है तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक न्यूमेरिकल uh, डाल के रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा बट जाते जाते वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखो ए लाइन जो है ना ट्वेंटी परसेंट पे आके मिल रही है तो ट्वेंटी परसेंट के ऊपर भी आप एक ये लाइन खींच लो तो जितना भी लो पोर्शन है ना ये ट्वेंटी परसेंट से ऊपर है थर्टी फाइव तक लाए कर रहा है थर्टी फाइव से फिफ्टी इंटरमीडिएट और अब्टी इट इज हाई तो ये जो ट्वेंटी परसेंट के नीचे है ना पोर्शन ये क्या है इसे कहा जा रहा है सी एल एम एल सी एल एम एल सेक्टर और किस टाइप की सॉइल हो गई है सी एल एम एल सॉइल आपको ऑप्शन में यही मिलेगा सी एल एम एल और आपको टिक भी सी एल एम एल करना होगा ओके okay? चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है आई क्लासिफिकेशन बताना है फाइन सॉइल का जिसकी लिक्विड लिमिट 40 परसेंट है प्लास्टिक लिमिट 22 परसेंट पहला वाला उठाते हैं और बाद में सेकेंड वाले को देखेंगे सबसे पहले डब्ल्यू एल गिवा है फोर्टी और डब्ल्यू पी गिवन है ट्वेंटी तो आई कितना हुआ रियल में इस सॉइल का जो एक गिवन है ना इसका आई क्या है मैं ए लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ रियल में इस सॉइल को मैं लिख रहा हूँ रियल तो इस सॉइल का आई पी है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी फोर्टी माइनस ट्वेंटी टू एटीन परसेंट मैं काम करता हूँ इस कर्व में जाता हूँ एटीन परसेंट को मार्क कर लेता हूँ एटीन परसेंट कहीं ट्वेंटी के, के आसपास होगा यहां कहीं होगा एटीन परसेंट से अब आ जाते हैं हम नीचे मैंने आपको बताया आई पी ऑफ ए लाइन मैं क्यों ब्रैकेट में ए लाइन लिखता हूं कि बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो बेटा ये ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बताएगा तो पॉइंट सेवन थ्री डब्ल्यू एल माइनस ट्वेंटी डब्ल्यू एल के लिए फोर्टी फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर्टीन पॉइंट सिक्स अब आ जाओ यानी कि जो ये फोर्टी परसेंट था ना लिक्विड लिमिट इस पर रियलिटी में देखा जाए तो, तो वो एट्टी परसेंट था ऑयल का और ये जो पॉइंट आ रहा है ना इस लाइन के ऊपर ये कितना है फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट है तो एट्टीन परसेंट जो है वो ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर लाई कर गया लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा क्ले ठीक है ना इस लाइन के ऊपर जो भी कुछ है वो क्या है क्ले है समझा चुका हूँ अब आप पूछोगे सर इसकी वो क्या है लो है इंटरमीडिएट है हाई है तो क्या कहा था मैंने थर्टी फाइव से फोर्टी को क्या कहें और थर्टी फाइव से फिफ्टी अगर कुछ भी लाए करता है तो उसे क्या कहा जाता है इंटरमीडिएट तो क्या यूज़ करेंगे आई तो हमारे लिए कौन सी सॉयल हो गई बात समझ में तो बेसिकली ये जो ए लाइन है ना कुछ नहीं है डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड लिमिट पर खूब सारे पॉइंट्स निकलते ना उन सबको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई गई है और उसकी इक्वेशन ये दे दी गई ये आपको याद करनी है इक्वेशन बहुत काम आती है डिफाइन करने में अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं जिसके अंदर ट्वेंटी परसेंट है और ये फोर्टीन परसेंट है डब्लू पी आओ देखो ट्वेंटी परसेंट थर्टी फाइव से कम है इसका मतलब इसको डिफाइन करूंगा मैं लो प्लास्टिसिटी से तो एल तो पक्का हो गया मेरा तो रियल में कितना है इस सॉइल का ट्वेंटी माइनस फोर्टीन यानी कि सिक्स परसेंट है भाई और ए लाइन का क्या आएगा पॉइंट सेवन थ्री डब्ल्यू एल माइनस ट्वेंटी डब्ल्यू एल कितना है ट्वेंटी है रख दो ज़ीरो अब ज़ीरो पे आते ही मैंने आपको बता दिया भाई जीरो ये मतलब अगर ये टच कर जाता है यहाँ पे एफ सीसा को ऑर्डिनेट आ जाता है ज़ीरो तो आपको सी एल एम एल लेना है यहाँ पे ऑलरेडी इसने बता दिया कि रियल लाइफ में तो भाई सिक्स परसेंट है यानी कि ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर है इस पॉइंट के ऊपर जितना भी सेक्टर आ रहा है क्या आ रहा है ये सी एल एम एल सेक्टर मैंने दिखाया ना आपको ये मार करके पी एल एम एल सेक्टर तो ये सॉइल कैसी हो गई पी एल एम एल हो गई अब आप बहुत ही बारीकी से अगर देखेंगे तो इसमें इन्होंने शेड कर रखा है अब देखो जो भी कुछ कर रखा है वो आपके सामने फोर टू सेवन परसेंट में कुछ भी लाई कर जाए इस शेडेड रीजन को इन्होंने नाम दे रखा है सी एल एम एल और इसके नीचे वाले को नाम दे रखा है एम एल तो ये ध्यान रखना फोर परसेंट से कम हो जाए लेस देन फोर परसेंट तो आपको कह लेना है यानी कि सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी तो मैं चीज़ें क्लियरली आपको बता चुका हूँ अब थ्रू ग्राफ ऑल्सो अब एक और पार्ट है लोम सॉइल बड़ी इंटरेस्टिंग है ये और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैंने सोचा यहीं बता देता हूँ लोम सॉइल जो है तीन टाइप की जो सॉइल है उनसे मिलके बना है सैंडी सॉइल सिल्टी और क्ले कितना कितना प्रोपोर्शन है सैंड का सबसे ज़्यादा 40 फोर्टी परसेंट सिल्ड का 35 परसेंट और क्ले का 25 परसेंट तो ऐसी सॉइल को नाम दिया गया है लोम सॉइल अब आप कहेंगे सर इसका क्लासिफिकेशन तो आप समझा चुके हो इसमें सबसे ज़्यादा कोर्स मटेरियल है तो इसके अगर तो अपन कर सकते थे क्लेई सिल्टी और सैंड टॉयल ऐसा कह सकते थे अपन तो मैं कहूँगा हाँ कह सकते थे पर उसके अंदर याद करो सिर्फ एक टाइप का कंटेंट था कि सिल्ट था और सेंड था तो ऐसे कि सिल्टी सेंड टॉयल ये हुआ करेक्ट क्लासिफिकेशन बट लोम सॉइल स्पेसिफिकली हमको ये बताना चाहता है कि सिल्ट जो है थर्टी फाइव परसेंट है जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है ये बात इंपॉर्टेंट है ना कि कोई आप मतलब जो कोर्स क्लासिफिकेशन का उसको पकड़ लो और कर दो तो आपको ध्यान रखना है हाँ ठीक है ये क्या आ जाएगा सिल्टी सैंड हो जाएगा बट स्टिल क्योंकि इसका फाइंस ग्रेटर देन है तो हमको बताना पड़ेगा ये कौन सी है सिल्टी सैंड है बट स्टिल अगर ये वाला मिलता है लोम सॉइल क्या है तो आपको बिल्कुल ये वाले प्रपोर्शन याद होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके दिमाग में आएगा ठीक है लोम सॉइल के बारे में इतना आप बोल रहे हो तो इसका यूज भी बताओ देखो लोम सॉइल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूजलेस है क्योंकि तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है ठीक है तो ये किसके लिए अच्छी है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी सॉइल है लोम सॉइल इसके लिए क्रॉप ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है लोम सॉइल ठीक है अब आते हैं फाइनेंस मॉडल्स पे ये फाइनेस मॉडल्स क्या है फाइनस मॉडल्स जो है एग्रीगेट्स का वो है अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन एग्रीगेट्स मतलब सिंपल ये सोचो कि आपने एग्रीगेट्स ले लिए एग्रीगेट्स मैंने आपको समझाया था कैसे उसमें कुछ कोर्स होंगे कुछ फाइन होगा मैं फाइन कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कुछ छोटा होगा बड़ा होगा तो मतलब एक ग्रेडेड अपन कहते हैं ना ग्रेडिंग कर दी है तो वैसा वाला उठा लो अब आपसे कोई पूछे यार इसमें बहुत सारे कोर्स हैं कुछ फाइन है कुछ बिल्कुल फाइन पिलर भी हैं थोड़े बहुत पिलर मटेरियल तो इसकी एवरेज इसकी एवरेज साइज क्या होगी इस पर्टिकुलर मिक्स की बताओ तो आप कहोगे यार इसके लिए मैं यूज करूंगा फाइनेस मॉडल्स जो फाइनेस मॉडल से वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे दैट इज द एवरेज साइज ऑफ होल लॉट ऑफ एग्रीगेट ये जो एग्रीगेट का मिक्स है उसका एवरेज साइज फाइनेस मॉडल्स से निकल रहा है ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है मैंने साफ साफ लिख दिया यही क्वेश्चन बन चुका है सोचो <laughs> ऐसे होता है यार क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो देखो फाइनेंस मॉडलस मैथमेटिकली क्या है ये तो ठीक है डेफिनेशन बता दी कि एवरेज साइज हो गया मैथ्स भी तो लगानी पड़ेगी ना तो मैथ्स क्या है तो भाई कुछ नहीं सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड अब मैं ये क्या बोल गया हूँ उससे पहले उसका एग्जाम्पल लेके बताऊँ एक बार बता देता हूँ अगर फाइनेस मॉडल्स टू पॉइंट टू 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 पॉइंट सिक्स आए तो फाइन सेंड है टू पॉइंट सिक्स से टू पॉइंट नाइन तो मीडियम सेंड है टू पॉइंट नाइन से थ्री पॉइंट टू इस कोर सेंड और इससे बड़ा है कोर्स सेग्रिक थ्री पॉइंट टू आपको एक चीज़ दिख रही होगी फाइनेस मॉडल्स जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा बड़ा पार्टिकल है यानी कि पार्टिकल का जो साइज़ है वो बढ़ गया है तो याद रखो जितना ज़्यादा फाइनेंस मॉडल्स उतनी ज़्यादा उसमें कोर्स मटेरियल है क्लियर है ये बात ओके okay? अब एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये मैथ्स का जो मैंने पोर्शन लिखा है कैसे आ रहा है यहाँ सीव सेट दिया हुआ है ये डिफरेंट डिफरेंट सीव है और एक पेन लगा हुआ है पेन ध्यान रखना सीव सेट का पार्ट नहीं है तो वन फिफ्टी माइक्रॉन से जो नीचे नीचे चला गया उसको अपन काउंट करेंगे ठीक है इन्होंने वेट सैंपल लिए सेव को सीव सेट को शेक कर लिया खूब देर अच्छे से फिर देखा किस पे क्या रिटेन कर रहा है तो इसके ऊपर ग्राम्स में जो रिटेन कर रहा है वो है जैसे ट्वेंटी टू वन हंड्रेड ट्वेल्व और ये जो लिखा है वन वन जीरो एट है ओके तो ये सब आ गया पेन में भी फोर्टी सिक्स पहुँच गया अब हमसे कहा गया क्यूमुलेटिव वेट रिटेन ग्राम में क्यूमुलेटिव वेट क्या होगा कुछ नहीं इसको इसके साथ ऐड करो यहाँ रख दो ट्वेंटी तो टू तु हो गया ट्वेंटी टू तु को वन वन टू के साथ करो वन थर्टी फोर हो गया वन थर्टी फोर को टू हंड्रेड के साथ करो फिर ये कर दो थ्री थ्री फोर आ गया ऐसे करके आप सारा क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकाल सकते हो तो टोटल निकल के आएगा टू थाउजेंड ग्राम वो तो आप इनको भी ऐड करोगे ना तो टू थाउजेंड ग्राम ही आएगा ये एक वे होता है चेक करने का कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है जब आप क्यूमुलेटिव निकाल रहे हो तो जो टोटल होना चाहिए और एंड में जो क्यूमुलेटिव आना चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए मैंने आपको फॉर्मूले बोला था क्यूमलेटिव वेट परसेंटेज तो क्यूमुटिव वेट परसेंटेज रिटेन्ड कितना हुआ ध्यान रखना पासिंग नहीं बोला है रिटेन्ड बोला है तो इसी को ले लेते हैं डिवाइड बाई टू थाउजेंड इन टू हंड्रेडी टू डिड बाई टू थाउजेंड इंटू हंड्रेड हो गया ना वन पॉइंट वन परसेंट डिवाइड बाई टू थाउजेंड इंटू हंड्रेड ऐसे करके सबके निकाल दिए क्यूमुलेटिव वेट परसेंट यहाँ पे आएगा हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही है ओके okay, इसके ऊपर आया अभी मैंने आपको कहा था कि सीव सेट के ऊपर परसेंटेज में जो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन है उनका सम तो ये हुआ सीव सेट पैन सीव सेट का पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो इससे पार कर चुका है वेट जो होगा वो 150 माइक्रोन से पास कर चुके होंगे इन सब को आप अच्छे से ऐड कर दो आपको मिल जाएगा कि 97.97 सेवन .97 से ज़ीरो तक 240 यानी कि ये है टू परसेंटेज ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है ना बच्चों इसलिए परसेंटेज में आएगा 240 परसेंट तो बाकी ये तो पासिंग है ये हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है फॉर फाइनेंस मॉडल्स बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा हुआ है तो फाइनेस्ट मॉडल क्या है ये 240 वाला है इसको 100 से डिवाइड कर दो 2.4 आ गया हैंस क्योंकि 2.2 से 2.6 पॉइंट फाइन सेंट था तो इसको हम कैसे कहेंगे मोस्ट ऑफ द सॉयल इज फाइन सेंट अब आप देखो इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 4.25 माइक्रोमीटर या 0.45 पॉइंट फोर टू मैंने आपको दिखाया हुआ है दिखाई देता हूँ चलो क्या आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पॉइंट फोर टू फाइव एम एम टू सेवेंटी फाइव माइक्रोमीटर ठीक है ना ये आता है हमारा फाइन सैंड के अंदर ये मैं आपको दिखा चुका हूँ अब यहाँ पे यही चीज़ बस ऐसे ही लॉजिकली आप लगाना थोड़ा सा कि कितना ज़्यादा जो वेट है वो फोर टू फाइव से और सेवेंटी फाइव माइक्रोन तक गया होगा सेवेंटी फाइव माइक्रोन तो यहाँ तक आ ही जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ना यार हाँ कहीं छः सौ से कम तो कुछ पोर्शन जो है यहाँ आ जाएगा तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रिटेन्ड पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा कैरी कर जाएगा और आप आइडिया लगा सकते थे वन, वन सबसे ज़्यादा थ्री माइक्रोन में आ रहा है तो पक्का ये फाइन सेंड होने वाली है जो ज़्यादा पार्टिकल हो गए उसी टाइप का सॉइल बिहेवियर दिखाने की कोशिश करेगी तो ये जनरल आइडिया समझ में आ रहा है कि फाइनेस मॉडल से कैसे हम निकाल सकते हैं जो कोर्स वाले तरीके से निकाला ना अपन ने वो भी ठीक है और ये फाइनेंस मॉडल्स भी ठीक है तो फाइनेंस मॉडल्स पे कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं छोटे बोटे की ये क्या है इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है ई एस सी के सब्जेक्ट में मिले मिल जाए और कई बार गेट में इसको मतलब दो तीन सीव सेट लगा के पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फाइनेंस मॉडल्स इसका मीनिंग क्या है और इसको निकालते कैसे तो मैंने यहाँ आप पर आपको बकायदा एक एग्जांपल देके बता दिया अब कोड में क्या है क्लॉज है 1948 में क्लॉज 3.4.5 पॉइंट फोर जहाँ पर उन्होंने फाइन सॉइल के बारे में बताया उसके ऊपर टेस्ट बताएं तो मैंने उसको बहुत ही सिंपल भाषा में हाल के यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि यार फाइन का मतलब है सिल्ट एंड क्ले अब कौन से मैनुअल टेस्ट किए जाएं कि सिल्ट और क्ले को भी आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम ऑन साइट ये तो बहुत ही सिंपल और इजी से टेस्ट है तो इसलिए आपको ये पता होने चाहिए और इसके साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाए हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब से निकाल के वो मैं इसमें भी दिखाता हूँ सबके साथ सबसे पहला है डायलिटेंसी टेस्ट डायलिटेंसी टेस्ट में क्या होता है जो सॉयल उसको रिमोल्ड करते हैं पानी डाल के वाटर ऐड कर देते हैं और पाम मतलब ये अपनी हथेली है ना इसको और फिंगर्स के थ्रू उसको रिमोल्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसका एक केक जैसा बना लेंगे मतलब प्रेशर लगा के मैं वीडियो में दिखाऊंगा उसके बाद उसको पैट करते हैं दूसरे हैंड से तो अगर वाटर सरफेस पे अपीयर हो गया है तो, तो वो है सिल्ट और अगर नहीं होता है तो वो है क्ले इसका वीडियो ये रहा आप लोगों के सामने एक मैंने वीडियो आपके लिए देख के रखा है और ये पर्टिकुलर जो चैनल का नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही रेस्पॉन्सिबल है आई एम गिविंग दम क्रेडिट मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि इसने के यहाँ पे क्या कर रखा है देखो इसके पास एक सिल्ट सैंपल है और एक क्ले के सैंपल है जो डार्क वाला है सिल्ट है और एक क्ले है तो ये सैंपल जो लेगा ये ये बॉल सी जो इसने बनाई थी इसको लेके कुकी में कन्वर्ट कर लेगा बाय अप्लाइंग द प्रेशर इन इज हैंड और इसमें थोड़ा सा पानी भी ये डालेगा मिक्स कर लेगा अब देखो इसको पानी डाला है इसको ढंग से अब रिमोल्ड करना पड़ेगा अब इसने रिमोल्ड कर लिया है अच्छे से अब ये रिमोल्ड करने के बाद इसको वापस से सैंपल बनाएगा एक कुकी जैसा केक जैसा सैंपल बनाएगा तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ ये ब्रेक करता है और एक पोर्शन ले लेता ले है और एक कुकी जैसा सैंपल बना लेता अब क्या करेगा ये अब ये दूसरे हैंड से जिस हैंड में इसने सैंपल रखा है सेल्ट का उसको टैप पैट करेगा टैप नहीं पैट पैट करने का मतलब साइड से धक्का मारेगा अगर इसके ऊपर पानी आ गया सरफेस के ऊपर तो ये कैसा आ गया सिल्ट अगर नहीं आया तो कैसा होना चाहिए क्ले यही मैंने आपको थ्योरी में दिखाया देखो ये पैट किया इसने ऐसे तो पैट करने से कुछ टाइम में हल्का से एक शाइनी सरफेस आने लग जाता है वाटर जो है सरफेस के ऊपर आ जाता है इसका मतलब तो ये कैसी सॉइल हुई फाइन सॉइल सिल्ट हुई ये दोबारा ऐसा करके दिखाएगा दोबारा से उसको मिला रहा है ये देखो और फिर से बनाएगा और एक बार फिर से कर सकता है और ये करेगा ये देखो हल्का हल्का अभी भी सरफेस के ऊपर शाइनीनेस सी आ रही है ये शाइनीनेस का मतलब है वाटर आ गया सरफेस पे सरफेस पे वाटर आया तो क्या हुआ सिल्ट अब देखो दूसरा इसने सैम्पल लिया है ये जो लाइट कलर का ये क्ले है बेसिकली इसके साथ भी सेम करेगा ये ये मिलाया इसने वाटर इसके अंदर और इसको कर दिया रिमोल्ड एंड अब वापस से वही प्रोसेस करा बना लिए केक कुकी और इसको करेंगे पैट अब देखो ये पैट करेगा बार बार पैट करने के बाद भी इसमें देखो वाटर जो सरफेस पे नहीं आया है। तो ये सॉइल कौन सी हो गई फाइन सॉइल क्ले सॉइल हो गई है। अब बात करते हैं डिस्पर्जन टेस्ट की डिस्पर्जन टेस्ट में जो तो एक एक स्पून है ना फाइन सॉइल की मिला दो और थोड़ी देर के लिए वाटर को छोड़ दो अगर वो जो मिलाए हैं पार्टिकल्स बैठ गए तो वो सिल्ट हैं नहीं बैठे तो क्ले ये तो आप एब्सोल्युटली लॉजिकली समझ ही सकते हैं तीसरा जो है वह है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट जैसे नाम वैसा काम हमेशा बोलता हूँ मैं ड्राई स्ट्रेंथ यानी कि मतलब पहले सॉइल को रिमोल्ड करेंगे शेप वेप बना लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए तो वो जो ड्राई सैंपल बनाया ना हमने उसमें केक और स्पेरिकल बॉल जैसी बनाते हैं और फिर उसके अंदर अपने हैंड्स के थ्रू सिंपली हाथ के थ्रू प्रेशर लगाते हैं। अगर सॉइल ब्रेक हो गई तो तो वह है सिल्ट और नहीं हुई तो वो क्या है क्ले वेरी सिंपल इसका भी वीडियो ये रहा आपके सामने पहले एक दिन क्ले के और सिल्ट के सैंपल बना रहे होते हैं। मैं आप देखो दो केक तो इन्होंने बना दिया अभी मैंने आपको कहा था स्पेरिकल बॉल्स बनाने हैं तो स्पेरिकल बॉल जैसा ही इन्होंने एक छोटा सा बना लिया सिलेंडर जैसा है जो भी इनसे बना अब आते हैं आगे नेक्स्ट डे ये आए हैं ये साइड में आपको दिख रहे होंगे नीचे की तरफ जहाँ मेरा माउस कर्सर है ये रखा हुआ है सिल्ट का ये रखा हुआ है क्ले का तो ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर ये सबसे पहले जिसने केक बनाया इसको हैंड प्रेशर से ब्रेक करेगा ये देखो अभी सिल्ट में जरा सा इसने प्रेशर लगाया वो केक ब्रेक हो गया दैट प्रूफ कि ये जो फाइन सॉइल है ये सिल्ट है अब देखो और भी दिखाएगा जरा सा बिल्कुल हल्का सा लगाता है वो ब्रेक हो जा रहा है ये देखो वेरी सिंपल तो ये कैसी हुई सिल्ट हुई अभी आपको दिखाएगा वो छोटी सी स्पेरिकल बॉल जो मैंने कहा उसको देखो जरा सा थम से प्रेशर लगाया ब्रेक हो गई तो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये सिल्ट है अब आप कहेंगे ठीक है दूसरा भी दिखाओ वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए तो ये दूसरा उठाएगा देखो अब ध्यान से देखना इसमें काफी इसको जोर लगाना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए और ये इसने लगाया रिलेटिवली इट वॉज हार्डर टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर सैंपल दूव इट इज अब अभी देखो हमसे काफी प्रेशर लगाएगा उसके बाद भी इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा ये कैन सी इट ऑन स्क्रीन और आप लोग भी यूट्यूब चैनल पर जाके इनका नाम आपको दिख ही गया है यहाँ पे तो यू गाइस कैन ऑल्सो चेक इट आउट कि हाँ ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ये नहीं कहो क्रेडिट में देता हूँ इसने जो स्पेरिकल इस बॉल है छोटी सी वो उठा ली और देखो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है वो ब्रेक नहीं होगा तो अब ये स्लज हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करेगा देखते जाओ स्लज हैमर से भी वो इतनी ईजीली ब्रेक नहीं हो रहा है वॉट दट प्रूफ दिसंस ऑयल इज बेसिकली टफनेस टेस्ट की बात करते हैं कुछ नहीं जो प्लास्टिसिटी पढ़ाते टाइम मैंने को आपको प्लास्टिक लिमिट के लिए एक टेस्ट बताया था जिसमें कि बोला था कि आप थ्री एम mm का थ्रेड बनाओ सॉइल के अंदर सॉइल का अगर वो क्रम्बल करने लग जाता है तो वही प्लास्टिक लिमिट होती है वही सेम टू सेम टेस्ट है यहाँ पे भी उसी को टफनेस टेस्ट नाम दे रखा है इसके अंदर आप 3 एम mm एम का थ्रेड बनाओगे अगर वो बनाते बनाते जैसे 3 एम mm एम के आसपास पहुँचता है वो क्रैक होने लग जाए क्रम्बल होने लग जाए समझ लेना वो क्या है सिल्ट और अगर क्रैक ना हो तो वो क्या है क्ले आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये फिर से आप देखो सिल्ट का एक छोटा सा वो उठाएगा रोलिंग टेस्ट करेगा यानी कि जो टफनेस टेस्ट मैंने आपको बताया था थ्री एम एम थ्रेड बनाना है और अगर वो ब्रेक हो जाता है क्रम्बल हो जाता है इट इज हैल्ट नहीं होता है तो वो क्ले है इसका स्टूडेंट देखो क्ले के साथ काम कर रहा है ये कर रहा है सिल्ट के साथ वर्क सिल्ट को ये अब ये रोल करना स्टार्ट करेगा अभी देखो आपके सामने और जितना वो पतला होता जाएगा ना थ्रेड वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा अभी आपको वीडियो में ये दिख भी जाएगा अभी काफी थिक साइज में है डायमीटर इसलिए चल रहा है अब देखो अब आप लोग स्क्रीन पे ये काफी रोल कर रहा है इसको ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ अब इसको और पतला रोल करेगा ये और ये छोटे छोटे पीसेस में देखो बढ़ते ही जा रहा है टूटते जा रहा है ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर साइन फाइन सॉइल है ये बेसिकली सिल्ड है तो आप लोग भी यूट्यूब पर जाके इस पोर्शन को चेक कर सकते हो ये बस मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे इसने करा है रोल छोटे छोटे पोर्शन में बटता चला गया है देखें तो अब एक बार इसको देखते हैं क्ले को अब ये जिसका स्टूडेंट है ये इसके पास क्ले है तो ये आपको रोल करके दिखाएगा ये रोल करना स्टार्ट कर रहा है देखो अभी करे जा रहा है रोलिंग करे जाएगा करे जाएगा और रोल करने पर भी काफ़ी पतले थ्रेड बनाने के बाद भी ये ट्रैक हो रहा है ना क्रिम्बल हो रहा है इट प्रूव्स दिस फाइन सॉयल इज़ पर्टिकुलरली सॉयल जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो साइनिंग ऑफ गॉड ब्लेस यू ऑल